दोनों चाहिए पैसे, और जो भी चाहिए आप मुझे बता दो, मैं आपके लिए ले आऊंगी। अरे कॉपी तो यहीं छोड़ गया, इसका तो टेस्ट भी है आज, कॉपी देने और जाना पड़ेगा। चलो अंकल, ये ना सेकेंड क्लास में बच्चा आया था, उसकी कॉपी है, ये आप उसको दे देना, ठीक है? अंकल उसकी क्लास तो वहां है, और ये वहां से क्यों आ रहा है? इनका ये काम है खाना ले जाकर रोजाना कचरे में डाल देते। अब यू तो है, मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, तुम खाना फेंक देते हो। अब यू तो मुझे पता चल चुका है तुम खाने का क्या करते हो, ठीक है ना? तुम मुझे मत बताओ। भाई साहब राम राम। ये अभ्युदय का टिफिन है, ये मैं छोड़ आया था, ये मैं रोज लड्डू ले जाता है। अच्छा, ये मेरी बेटी को लड्डू खिला देता है, और ये अपना कुछ खाता है नहीं खाता मुझे तो पता नहीं, तो देख लेना तुम्हारा लड़का तो हीरा है भाई साहब, इसका ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 राम। वंदना। हाँ? अभी कौन आया था? माली आया था अभी, आपने उस दिन उसको चाटी मार दी है ना, वो बता रहा था कि रोज क्या करता है कि ये अपना खाना का ज्यादातर हिस्सा जो है उसकी बेटी को दे करके आ जाता है, और आपको लगा कि फेंक करके आ जाता है। अब वो बेचारा जो है वो गरीब बच्ची है, उसको खाने पीने की दिक्कत है, वो बेचारा रोज जो है थोड़ा खाता है और जाकर के दे आता है, वही माली बता रहा था कि वो खुद कम खाता है और उसको दे करके आ जाता है। क्या? और आपने उसे चाटे मार दिए?
हृदय कौन है? बेटा आपने बताया क्यों नहीं कि आप खाना फेंकते नहीं हो, आप उस बच्ची को देते हो? आप एक बार बताते तो सही। जब मैं खाता था तो फिर मुझे लगता था कि वो भूखी होगी। इसलिए मैं खुद कम खाता था, बाकी उसको दिया था। इसलिए मैं आपके लिए आया हूँ। मुझे बता देते कि आप खाना नहीं फेंकते हो, बच्ची को दे आते हो, बताते तो सही। आपने बताया क्यों नहीं मुझे? पापा आपने ही तो कहा था शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन बेटा हर चीज शेयर करके खानी चाहिए, और मैं तो आपका पापा हूँ। आपको ये भी देखना चाहिए कि जब भी आप खाना खाते हो तो आसपास कोई भी हो, चाहे कोई गरीब का बच्चा हो, कोई आपका दोस्त हो, जो भी भूखा हो, उससे मिल बांट करके खाना चाहिए। मिल बांट कर खाने से खुशी मिलती है और यही हमारी संस्कृति है। हाँ लेकिन मम्मी ने आपको उस रोज चांटा मार दिया तो आप मुझे बता देते। बेटा आपको बताना चाहिए था, आपने एक बार भी नहीं बताया। मम्मी आपने ही तो कहा था एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। बेटा जब हम किसी को कुछ देते हैं ना तो ऐसे दें कि एक हाथ से दें तो दूसरे को पता भी ना चले। ओके मम्मा। कैसे मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसा।